मेराजिया रिवायात के पर्दा में लिखी गई है वो पूरी नज़्म, और दुनिया के बड़े अदब में और अजीम अदब में शामिल है। और ये सिर्फ कहते हैं नहीं, वाकयान ऐसा है, वाकयान ऐसा है कि जन्नत गुमशुदा जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से मुतालिक रिवायतें मगरबी अदब में मुंतकिल हुई, उसका मुताला करके ये किताब वजूद में आई। ठीक है, उसमें बाज मनफी बातें भी हैं, लेकिन अजीम लिटरेचर है, बड़ा अदब है। और इस तरह की बातें करके वो सिर्फ ये चाहते थे कि मरसिया को छोटी सिंफ शुमार करें। मरसिया भी बहुत बड़ी सिंफ है, मरसिया छोटी सिंफ नहीं है। मरसिए को आप उर्दू मरसिए को अरबी फारसी समेत और मगरबी जबानों समेत दुनिया की किसी भी जबान की बड़ी से बड़ी शायरी के मुकाबले में पेश कर सकते हैं। अनीस तो बहुत बड़े हैं, अनीस फिरदौसी से भी बड़े हैं, बड़े हैं कहीं पर। दबीर वो शायर है, तन्हा दबीर, के फारसी के अनवरी जैसे शुआरा। अनवरी मालूम है कौन है? अनवरी, अनवरी के लिए कहा जाता है कि वो क्या मशहूर शेर है कि दर शेर सितन पयंबरानन हर चंद के ला नबी बादी, अबियातो कसीदा ओ गजल रा फिरदौसी ओ अनवरी ओ सादी। यानी अबियात यानी मसनवी, कसीदा यानी कसीदा, और गजल यानी गजल। गजल का इमाम सादी है, कसीदे का इमाम अनवरी है, और मसनवी का इमाम फिरदौसी। इमाम मैं कह रहा हूं, वहां तो नबी कहा गया है। सितन पयंबरानन हरचंद के ला नबी अबादी, अबियात कसीदा ओ गजल रा फिरदौसी ओ अनवरी ओ सादी। मैं पूरी मारूजियत के साथ और पूरी आजजी के साथ और तालिब इल्माना जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि पूरा दीवान और कुल्लियात अनवरी मिर्जा दबीर के किसी एक कमज़ोर से कमज़ोर मरसिए पर कुर्बान किया जा सकता है। जितने सनाए व बदाए वहाँ हैं और जितनी नाजुक ख्यालियाँ हैं, वो सब आपको मिर्जा दबीर के किसी एक कमज़ोर मरसिए में मिल जाए। मरसिया बहुत बड़ी सिंफ है, अदबी लिहाज से, लिसानी लिहाज से भी, और मानवी और इरफानी लिहाज से भी, यहां तक कि उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल अहमियत भी है, वो हमारी मारिफत में भी इजाफा करता है बहुत से एतबार से। लेकिन अब बस आखिर कलाम में मैं अर्ज करूं कि मजहबी शायरी को जिस तरह से किया गया और किया जा रहा है, उसमें बस मेरी एक दरख्वास्त यह, अब बहुत से मारूजात हैं वो छोड़ रहा हूं, एक दरख्वास्त जो है मेरी वो ये है कि मजहबी शायरी को पूरे जज्बे से कहा किया जाए, रस्मन ना किया जाए। रस्मन किया जाएगा तो वो जाहिर है कि इंडस्ट्री का लिटरेचर होगा, रूहानियत का लिटरेचर नहीं होगा। दूसरी बात यह कि वो इश्तिहारी अदब बन जाएगा, देखो बन गया है, उसमें रूहानी वजन और शेरी वजन और वकार पैदा नहीं। और जो चीज पूरी शायराना हुनरमंदी के साथ कही जाए, उसमें भी ये ख्याल रखा जाए कि सिर्फ काफिया बेबाई ना हो, वरना रूहानियत और तासीर मजरूह हो जाएगी। मैं मिसाल के तौर पर एक सलाम आपको पेश कर रहा हूं, ये सलाम बहुत बड़े शायर, लखनऊ दबिस्तान के बहुत बड़े शायर थे मीर इश्क, मीर इश्क और मीर ताशुक दोनों बहुत बड़े शायर थे। ये सलाम किसी हद तक मुख्तलफ ही हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मीर इश्क का सलाम है, कुछ कहते हैं कि ये दूल्हा साहब उरूज का सलाम है। लेकिन बहरहाल ज़रा सलाम के चंद शेर सुन लीजिए और उस पर मेरी तनकीद सुन के इजाज़त दे दीजिए। उस दौर की शेरियात के मुताबिक ये बहुत अच्छा सलाम रहा होगा, लेकिन इसकी रूहानी कदर कीमत कितनी है। थी रन में दमे सुबह
शहे दीपक कड़ी धू। ठीक है, थी रन में दमे सुबह शहे दीपक कड़ी धूप, फिर गुलशन ईजाद में ऐसी न पड़ी धूप। धूप और कड़ी और पड़ी के काफी है, जमीन मुश्किल है सलाम के लिए आसान नहीं। आ जाती हैं जुल्फें जो रुखे सरवर दी पर, दो चार घड़ी छांव है दो चार घड़ी धूप। आ जाती हैं जुल्फें जो रुखे सरवर दी पर, दो चार घड़ी छांव है दो चार घड़ी धूप। बालों से जो मिट्टी मह जहरा ने छुड़ाई, खुर्शीद के गेसुए शुआई से झड़ी धूप। खुर्शीद के गेसुए शुआई से झड़ी धूप। आप हजरात सर ढूंढ रहे हैं, दाद दे रहे हैं, मैंने अर्ज किया कि शेर अच्छे हैं, उस दौर की शेरियात के मुताबिक शेर अच्छे हैं, मगर इसमें बाज मिसरे असास उसकी जज्बा नहीं, असास काफिया है। झड़ी सलाम के लिए यह काफिया पहले जहन में नहीं आएगा, और अगर इस मिसरे को यहां से अलग कर ले, दो चार घड़ी छांव है दो चार घड़ी धूप, ये किसी गजल का मिसरा भी हो सकता है, ये किसी गजल का मिसरा भी हो सकता है। खुर्शीद के गेसुए शुआई से झड़ी धूप, ये भी किसी गजल का मिसरा भी हो सकता है। झड़ी धूप और दो चार घड़ी धूप, ये काफिये जो है काफिये की खातिर शेर कहा गया, चूंकि हमारी आपकी अकीदत और वाबस्तगी सैयद शुहदा अलैहि सलाम से है तो हम सर ढूंढते हैं। लेकिन जिस शख्स की जज्बाती अकीदत पहले से ना हो, मारिफत ना हो, वो इन अशार से उस तरह मुतासिर नहीं हो सकता, वो काफिये की दाद देगा, जमीन की दाद देगा, लेकिन इसकी रूहानियत इसके बाद देखिए, काफिया काफिये की खातिर शेर कहने का नतीजा क्या होता है, सरकारे सैयद शहदा के कत्ल का मंजर मामूली मंजर है, कितना अलमनाक है, इससे ज्यादा अलमनाक कोई मंजर रूए जमीन पर न हुआ है न होगा। इस सानहे को जिस शेर में भी जिक्र किया जाए कलेजा फट जाना चाहिए। हम आप ये शेर सुनेंगे तो अब भी मुतासिर होंगे, लेकिन फिल वाकई सोचिए गैर जानिबदार होकर कि जो शख्स इन रिवायात से वाकिफ नहीं है और जुड़ा हुआ नहीं है पहले से जज्बाती तौर पर और अकीदती तौर पर और इल्मी तौर पर मारिफती तौर पर, उसके लिए ये शेर कितना हल्का है और सन्नाई मालूम होता है। लफ्ज़ ज़बह भी आ गया है इसमें, शह बोले दमे ज़बह कि इस दम हो ज़्यादा, सबरे पिसरे फातिमा जहरा बकड़ी धूप। कैसा बेअसर शेर, क्यों बेअसर है, काफिये की खातिर कहा गया, यानी वाक़े ज़ब्ह की संगीनी उसका तासुर दिल पर लेकर यह शेर नहीं कहा गया है, काफिये की खातिर शेर कहा गया है। कमजोर हो गया शेर। इसी तरह दूसरा शेर है, हजरत अली असगर की शहादत कितनी क़यामत खेज़ शहादत है, लेकिन इस शेर को सुनिए, मौला ने कहा इसलिए असगर को किया दफ्न, छोटा है ये खुर्शीद लबा और बड़ी धूप। काफिये की दाद दे लीजिए, तासुर क्या हुआ, आंसू खुश्क हो गए, जबकि बेख्तियार आंसू उबल पड़ने चाहिए। तो ये
मारूजा ये है कि रूहानी शायरी, मैंने चूंकि मुहर्रम के अयाम है इसलिए मिसाल में सलाम पेश किया, वरना बात हम से शुरू होती और नाद से गुजर के मनकबत तक पहुंचती और फिर मरसी पे तमाम होती और जाहिर है कि वक्त जो है फिर बहुत ज़्यादा सर्फ होता। वो सब मैंने इशारात लिखे थे, गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। रूहानी शायरी की असास रूहानी तजर्बा होना चाहिए और फ़न शायरी पर पूरी दस्तरस, इसके बगैर रूहानी शायरी नहीं हो सकती। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।